हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो AIIB 16 का पेपर हुआ है आज 31 अक्टूबर को, उसके आंसर्स को। और आपने हम लोगों का यूट्यूब चैनल तो देख फॉलो कर ही रखा होगा। हमने अभी रिसेंटली CRPC की एक वीडियो डाली जिसमें 30 घंटे के लेक्चर में पूरे CRPC को कवर किया गया है। तो अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग ज़रूर जाइए, उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत हेल्प मिलेगी। तो बात करते हैं AIIB के पेपर की। ये जो हमारे सामने पेपर रखा हुआ है, ये इसका सेट कोड B है और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है ये। तो आइए शुरू करते हैं इस पेपर को। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं, जो लोग आगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनका जो जो सब्जेक्ट इस पेपर से मैच करता हो वो लोग क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड को ज़रूर फॉलो किया जाता है। जो जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो आइए फिर देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप लोग देख लीजिए इसका सेट कोड B है, तो आप उसी हिसाब से अपने आंसर्स मैच करिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉमिसरी स्टॉपल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज इज डिसाइडेड इन विच केस। तो इसमें जो है ट्विडल वर्सेस एटकिंसन और डट्टन वर्सेस पूले, ये दोनों जो है प्राइवेट एजेंसीज के अगेंस्ट में थी, और केदारनाथ जो है ये शुगर मिल का केस था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये है ऑप्शन C, जो कि है पूर्णमी मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D, सेक्शन 56। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। शेड्यूल 2 ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 डील्स विथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन B, लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन ए, क्लॉज 19(1)(e), क्लॉज 1(e), आर्टिकल 19 क्लॉज 1(e). क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट एडमिशंस आर डिफाइंड। तो ये आप सभी लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 17, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी अलाउड टू रेफर टू रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका देखिए, हम लोगों ने आंसर खोजने की बहुत कोशिश की तो इसका आंसर मिला नहीं है, तो इसलिए हम आपको गलत आंसर नहीं बताएंगे, इसलिए इसको इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं अभी। सेक्शन 7, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी ऑब्टेन्ड बाय द CPC विद इन व्हाट पीरियड। इसका जो हमने आंसर खोजा था वो ज़्यादातर जगहों पर 12 ईयर्स दिखा रहा था, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी स्किप कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु अपॉइंट्स द कमीशन फॉर रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट अंडर LARR एक्ट। तो ये जो LARR एक्ट है, ये है लैंड लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन D, स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू रेलवे एम्प्लॉयमेंट रेलवे एम्प्लॉयज बाई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंजरी बाई एक्सीडेंट इज गवर्न बाई। तो ये जो गवर्न होता है ये होता है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। 10th क्वेश्चन देख लीजिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल अंडर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 इन केस ऑफ टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट ड्यू टू एक्सीडेंट इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन सी, दैट इज ₹1,40,000, 1,40,000।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड इफ द ऑफेंस बी कैपिटल इज डेल्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 216 ऑफ आईपीसी, 216 ऑफ आईपीसी। क्वेश्चन नंबर 12, द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निशी मेंस सिट रिया, इसका क्या मतलब है? तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। ये आईपीसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा चलते ही है मैक्सिम। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, लॉ लेड डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज हेडले वर्सेस बैक्सनडेल। क्वेश्चन नंबर 14, रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज सेक्शन 8। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर द हेड सब्सिक्वेंट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडक्ट वुड बी मटेरियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज फियट एंड ट्रेम्बलिंग। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CPCR। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर 17, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका करेक्ट आंसर है बी, एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड रिवर्स बाय सुप्रीम कोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, जो केस है ये है सुरेश कौशल वर्सेस नार्स फाउंडेशन, बहुत ही फेमस केस है ये, याद रखिएगा आप लोग, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19, द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, व्हाट इज एडहॉक आर्बिट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज पार्टीज मेक देयर ओन अरेंजमेंट विद रेस्पेक्ट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्बिट्रेशन इंक्लूडिंग द लॉज एंड रूल्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डिफाइंस मेसने प्रॉफिट। ये डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन डी, सेक्शन 2 क्लॉज 12। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, एन एडवोकेट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर्स दैट द पब्लिक जस्टिस सिस्टम इज एनेबल्ड टू फंक्शन एट इट्स फुल पोटेंशियल एनी वायोलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स बाय एन एडवोकेट इज अनफॉर्चुनेट एंड अनएक्सेप्टेबल। इग्नोरिंग इवन अ माइनर वायोलेशन और मिसकंडक्ट मिलिटेट्स अगेंस्ट द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ पब्लिक जस्टिस सिस्टम। इट वॉज सेड इन, कौन से केस में कहा गया था ये? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है ये हमें नहीं पता है, हमने बहुत कोशिश की खोजने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 24, द वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी फर्निश्ड टू रजिस्ट्रार विद इन द पीरियड
ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 25, साइबर लॉ डील्स विथ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 26, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल टू, ये टैक्सेशन का क्वेश्चन है और नहीं मिला इसका आंसर, माफ़ी चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी अराइजेस वेयर वेयर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, दैट इज देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डील्स विद अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, दैट इज सेक्शन 23। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड एन अटेम्प्ट टू लुक इनटू द क्वेश्चन रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ राइट टू लाइफ टू द राइट टू हेल्थ एंड अदर हाइजीन कंडीशंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और क्वेश्चन नंबर 30, द बेसिल कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, द नेचर ऑफ साइबर क्राइम इज, द नेचर ऑफ साइबर क्राइम इज ऑप्शन है बी, इंटेंजिबल। क्वेश्चन नंबर 32, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पिटिशन इन विच डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स हैज बीन पास टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर अ डिक्री फॉर डाइवोर्स बाय शोइंग दैट देयर हैज बीन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एज बिटवीन पार्टीज ऑफ मैरिज फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड्स आफ्टर पासिंग ऑफ डिक्री, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज डज नॉट परमिट पार्टी अगेंस्ट होम। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 33 में द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन सी, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 34, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन डिसीजन इन, ये रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी राइलेंट्स वर्सेस फ्लेचर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वॉज लेड डाउन इन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डेविस वर्सेस मैन। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 36 पे, 36 का भी हमने आंसर खोजने की कोशिश की, मिला नहीं तो इसे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन हु, 37 का ऑप्शन है बी, ये है हु कमिट्स नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38, हाउ लॉन्ग वारंट ऑफ अरेस्ट विल रिमेन इन फोर्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन डी, अंटिल एग्जीक्यूशन और कैंसल, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता या तो कैंसिल नहीं हो जाता तब तक वो फोर्स में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन विल बी अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इसका ऑप्शन है बी, दैट इज 20%।
क्वेश्चन नंबर 40, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947 वाज ड्राफ्टेड बाय हूम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 41, राइट टू प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के सवाल आ रहे हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, मुरारजी देसाई के टाइम पे इसे हटाया गया था, इसे लीगल राइट बना दिया गया था फंडामेंटल राइट की जगह, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सॉरी। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन द अक्यूज स्टेट्स आई विल प्रोड्यूस द शेयर विच आई रिसीव्ड इन सच एंड सच रॉबरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एडमिसेबल विथ रिगार्ड टू सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज इसमें जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 ये सभी सही हैं, स्टेटमेंट नंबर 4 ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 6 मंथ नहीं है, 10 मंथ भी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इज सी, 12 मंथ। क्वेश्चन नंबर 44, अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने साल की सेंटेंस पास कर सकता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर, 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज मेंट बाय प्रोसीजरल अल्ट्रावायर्स, प्रोसीजरल अल्ट्रावायर्स का क्या मतलब है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन डी, इसमें ए बी दोनों सही हैं, सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 46, द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड इज कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रेट विच, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन डी, सर्शरी। क्वेश्चन नंबर 47, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड फाइंड द इनकरेक्ट मैच, इसमें सेक्शन 5 रेवेन्यू कोड, 67 सेक्शन 7 प्रोविंशियल कोड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है सेक्शन सॉरी ऑप्शन सी। इसके बाद एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 48, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 फॉरेन कोर्ट मींस, सीपीसी में फॉरेन कोर्ट्स का क्या मतलब है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड अंडर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49, मिसयूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पीआईएल मींस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ अबव। एज पर सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी द वर्ड इंजरी, अच्छा यहाँ एक करेक्शन है, यहाँ 53 में आईपीसी नहीं, 53 में पनिशमेंट डिफाइंड है, ये मिसप्रिंट हो गया मुझे लगता है, ये 43 है, 43 में इंजरी डिफाइंड है। तो एज पर सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन बॉडी माइंड रेपुटेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, 50 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग केस
कैन बी क्योर्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 235 क्लॉज 2 और 235 क्लॉज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर डी नोवा ट्रायल्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल इज। तो किसी भी स्टेट में अगर 10,000 स्टेट बार काउंसिल में अगर 10,000 से ज़्यादा मेंबर हैं तो उसकी मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो होती है 25। क्वेश्चन नंबर 54, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कंटेन्स, इसमें जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 8 चैप्टर्स एंड 44 सेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 55, द कमिटी विच लेड टू पासिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वॉज हेडेड बाई। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन सी, जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी। क्वेश्चन नंबर 56, अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रॉन्ग्स। क्वेश्चन नंबर 57, अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ मैन और वुमेन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ डैश वुड बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, रिमुनरेशन। क्वेश्चन नंबर 58, एडमिशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू, एडमिशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है बोथ ए एंड बी, दैट इज जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल। सेक्शन 59, सॉरी क्वेश्चन नंबर 59, सेक्शन 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लेज डाउन, सेक्शन 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लेज डाउन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑल ऑफ अबव, सभी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 60, मैक्सिम रेस एप्सा लॉक्यूटर मीन्स, रेस एप्सा लॉक्यूटर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये आपको आना चाहिए मैक्सिम, या द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 61, द फ्रेज फाइल अ PIL ostensibly इन पब्लिक इंटरेस्ट बट इन फैक्ट टू सर्व पर्सनल और प्राइवेट इंटरेस्ट मीन्स। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ये है ऑप्शन डी, फाइलिंग PIL alleging it to be in public interest but actually seeking protection of private interest। क्वेश्चन नंबर 62, फाइलिंग ऑफ frivolous PIL results in, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 63, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल एक्स, इज जेड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, हैज एक्स द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वेयर सेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 63, ये है ए, जेड हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एज पर सेक्शन 98 ऑफ IPC एंड सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू एक्स इफ जेड इज मैड। क्वेश्चन नंबर 64, द बॉर्ड अंडर सेक्शन 109 ऑफ CRPC एज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर from suspected person can be executed for a period not exceeding,
करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 65, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹500 दैट कुड बी पेड टू द वाइफ एज मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC वॉज रिमूव्ड इन। उसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन सी, दैट इज 2001। द टर्म वीपो स्टैंड्स फॉर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अ रेलवे सर्वेंट वॉज किल्ड इन बस एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हिज फैमिली मेंबर्स मे क्लेम कंपनसेशन अंडर, द करेक्ट आंसर इज एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, दैट इज सेक्शुअल असॉल्ट एंड सेक्शुअल हरासमेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 69, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, द टर्म मोटर कैब मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडॉप्टेड टू कैरी नॉट मोर देन, क्वेश्चन नंबर 69, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, नॉट मोर देन 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। द नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज कंपोज ऑफ, करेक्ट ऑप्शन इज बी, 5 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 71, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कम इन टू ऑपरेशन, द करेक्ट ऑप्शन इज 18 मई 1955। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न, इसमें जो है तरवाद है, तहवाज है, ऑल ऑफ अबव, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73, अ प्लेंट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट अंडर ऑर्डर 4 रूल 1 इन डुप्लीकेट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74, ओमिशन टू गिव नोटिस अंडर ऑर्डर 21 रूल 22 विल, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 75, वेयर अ डिक्री इज पास अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट फॉर एक्ट डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन कंसर्न अंडर सेक्शन 82 ऑफ CPC, एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड ऑन एनी सच डिक्री अनलेस द डिक्री रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर द पीरियड ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 76, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है करप्शन सी, आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज 44th Amendment Act। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 हैव बीन रिपील्ड
अमेंडेड बाय सेक्शन 6 ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 6। क्वेश्चन नंबर 79, इफ अ पार्टी हु ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड प्लीडिंग डज नॉट अमेंड द सेम विद इन हाउ मेनी डेज ही शैल नॉट बी परमिटेड टू डू दैट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी, दैट इज 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन ऑफ एडवोकेट्स एक्ट, चल कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? तो इसका जो सेक्शन है ये है सेक्शन नंबर 35, ऑप्शन सी, दिख रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज ऑफन इन्वोक्ड अगेंस्ट द मेडिकल प्रोफेशनल्स इन केस एलिजिंग प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 304A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, ए ऑफर टू ब्राइब बी अ पब्लिक सर्वेंट एज अ रिवॉर्ड फॉर शोइंग ए सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ बीज ऑफिशियल फंक्शन, बी एक्सेप्ट द ब्राइज। तो इसमें जो चारों ऑप्शन हैं, ए हैज़ अबेटेड द ऑफेंस अंडर 160, 161, 162, 163, ये चारों सेक्शन रिपील्ड हो गए हैं और इन ये जो है अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर आएगा, तो इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन परपेचुअल इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड, परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट किया जाएगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हु शैल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ रेप बीइंग गिवन बाय अ रेप विक्टिम ऑफ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, दैट इज वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 85, अंडर द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है सी, समन्स आर ईदर फॉर अपीयरेंस और फॉर प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 86, एवरी पर्सन हु इज मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विस और होल्ड अ एनी सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 87, इन केस ऑफ लैंड एक्विजिशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट कंसेंट ऑफ हाउ मैनी अफेक्टेड फैमिलीज इज मैंडेट बाई LARR एक्ट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है बी, दैट इज 70% ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज की कंसेंट जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 88, अ कंपनी विच इज नॉट डोमेस्टिक कंपनी विल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन सी, दैट इज 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89, अ कंपनी wishes to ensure that no one else can use their logo, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ट्रेडमार्क। क्वेश्चन नंबर 90, द सेक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डीलिंग विद
टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इज, करेक्ट ऑप्शन इज बी सेक्शन 21। क्वेश्चन नंबर 91, अमाउंट ऑफ द डिडक्शन अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3/10 ऑफ एनुअल इनकम एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 92, हाँ, द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज नॉट होली डैश टेस्ट, इट्स कॉन्टोर्स आर फेयरली इंडिकेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए दैट इज सब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 93, द पावर टू एनैक्ट अ लॉ रिलेटिंग टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज लेफ्ट टू डैश अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी दैट इज पार्लियामेंट, ऑप्शन डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये सिर्फ सी वाला सही है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 95, प्रोविजंस फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन डैश ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी दैट इज सेक्शन 89। इसमें ADR की बात बताई गई है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 96, द इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1st सितंबर 1972 दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 315 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन आर देयर एज क्लासिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए परमिसिव प्रिजम्पशन कंपेलिंग, हाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर जो है वो है ऑप्शन ए दैट इज राइट ऑफ हियरिंग। एडवोकेट्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स ऑन ऑप्शन ए 19 मई 1961। तो यहाँ आपके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं सॉल्व और आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे सारे आंसर्स। बाकी देखते हैं कैसा रहता है रिजल्ट आप लोगों का। 40% पासिंग मार्क्स होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, अगर आपके 100 में से 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे पेपर। तो ठीक है सर, थैंक यू।